नमस्कार दोस्तों, A3D में आपका स्वागत है। और आज है मेरे पास Galaxy C9 Pro और A7 2017 फुल कंपैरिजन के लिए, क्योंकि दोनों ही डिवाइस सेम प्राइस रेंज और अप्रोक्सीमेट सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, तो आप भी कंफ्यूज होंगे कि कौन सा डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। A7 2017 के साथ आपको ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो वहीं C9 Pro केवल एक मेटल का यूनिबॉडी डिज़ाइन है। हालांकि दोनों ही डिवाइस यूनिबॉडी हैं, लेकिन C9 Pro में आपको ग्लास नहीं मिलता है। दोनों ही डिवाइस में कैमरा बम्प बिल्कुल जीरो है, यानी बिल्कुल भी कैमरा बम्प नहीं है, जो बहुत ही खूबसूरत बनाता है डिवाइस को। इसके अलावा जो डिज़ाइन है वो दोनों ही डिवाइस का बिल्कुल यूनिक है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला है। तो डिज़ाइन के मामले में दोनों ही बेस्ट हैं। C9 Pro में आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिलती है कैमरे के जस्ट बराबर, तो वहीं A7 2017 में सिंगल टोन LED फ्लैश है। राइट साइड की तरफ पावर की है और C9 Pro में सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिए हुए हैं, वहीं A7 2017 में केवल स्पीकर है, मीडिया स्पीकर। फ्रंट पे ऊपर की ओर सैमसंग लोगो, कॉलिंग स्पीकर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन LED भी है C9 Pro में, जबकि A7 2017 में ऐसा नहीं है। बॉटम की तरफ फिजिकल होम बटन दिया गया है दोनों में, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर इनबिल्ट है। इसके अलावा कैपेसिटिव टच बटन दिए हुए टास्क और बैक के लिए। बॉटम की तरफ टाइप सी USB पोर्ट, 3.5mm का ईयर जैक एंड माइक दोनों ही डिवाइस में दिया गया है, जबकि C9 Pro में मीडिया स्पीकर भी बॉटम की तरफ है। लेफ्ट साइड की ओर वॉल्यूम कंट्रोल्स की दिए हुए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसके अलावा A7 2017 में सिम 1 का स्लॉट भी दिया हुआ है। ऊपर की तरफ सिम 2 का स्लॉट और मेमोरी कार्ड का स्लॉट A7 2017 में, जबकि नॉइस कैंसिलेशन माइक दोनों ही डिवाइस में। C9 Pro जो है वो थोड़ा सा बड़ा है A7 2017 से डायमेंशन में की बात करें तो, क्योंकि A7 2017 में आपको 5.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, तो 6 इंच का डिस्प्ले मिलता है C9 Pro में, तो जाहिर सी बात है C9 Pro थोड़ा सा बड़ा होगा। तो दोनों ही डिवाइस खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन के साथ आते हैं, तो यहाँ कोई भी फ़ोन किसी दूसरे को बीट नहीं कर सकता। दोनों के डिज़ाइन का पैटर्न बिल्कुल अलग है और बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही खूबसूरत है। अब चलिए चलते हैं डिस्प्ले की ओर। A7 2017 आता है 5.7 इंच के फुल HD सुपर एमोलेड के साथ, जिसका PPI है 386, तो वहीं C9 Pro आता है 6 इंच के फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जिसका PPI है 367। तो यहाँ जो केवल सिर्फ एक डिफरेंस है वो है PPI का। A7 2017 में आपको हाई PPI का डिस्प्ले मिलता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी क्वालिटी जो होगी, थोड़ी सी क्लियरिटी जो होगी, वो A7 2017 में आपको मिलेगी ज़्यादा। बाकी की सारी चीज़ें सेम है, दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, तो ब्राइटनेस दोनों की सेम होगी। दोनों ही डिवाइस को आप दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। इसके अलावा कलर भी आपको सेम मिलेंगे, तो लेकिन जब क्वालिटी की बात होती है तो वहाँ A7 2017 थोड़ा सा बेटर हो सकता है आपके C9 Pro से। तो चलिए अब चलते हैं UI की ओर। UI की बात करें तो दोनों ही डिवाइस सेम ग्रेस UI के साथ आते हैं, और यहाँ आप आइकॉन्स देख सकते हैं दोनों ही डिवाइस में सेम है। दोनों डिवाइस की मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, और ये नोटिफिकेशन पैनल वो भी दोनों ही डिवाइस में सेम है। शॉर्टकट भी दोनों ही डिवाइस के सेम है। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो वो भी दोनों डिवाइस में सेम है। यहाँ दोनों डिवाइस में आपको ब्लू लाइट फिल्टर मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नाम का फीचर्स भी आपको दोनों डिवाइस में मिलता है। सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स UI भी दोनों ही डिवाइस में सेम है। बात करें एडवांस फीचर्स की तो वो भी दोनों ही डिवाइस में सेम है। अब चलते हैं थोड़ी एडवांस फीचर्स की ओर। तो यहाँ आपको आइकॉन्स डाउनलोड करने के लिए मिलते हैं, थीम्स डाउनलोड करने के लिए मिलते हैं, वो भी दोनों डिवाइस में सेम है। यह है C9 Pro का UI, और यहाँ आपको मिलता है गेम लॉन्चर, जो A7 2017 में भी अवेलेबल है। गेम टूल्स भी दोनों में अवेलेबल हैं। इसके अलावा मल्टीटास्किंग के लिए पॉपअप व्यू भी आपके लिए अवेलेबल है, यानी दोनों डिवाइस की UI सेम है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। दोनों ही डिवाइस ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आते हैं। C9 Pro में आपको मिलता है 2GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, तो A7 2017 में 1.9GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। A7 2017 मिलता है आपको माली TI-30 GPU, तो C9 Pro में आपको मिलता है Adreno का 510 GPU। स्नैपड्रैगन 650 प्रोसेसर मिलता है आपको C9 Pro में, तो A7 2017 में आपको मिलता है सैमसंग का Adreno 700 प्रोसेसर। C9 Pro में आपको 6GB रैम मिलती है, तो A7 2017 में 3GB। C9 Pro में 64GB इंटरनल मेमोरी, तो A7 2017 में 32GB इंटरनल मेमोरी। दोनों ही डिवाइस मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। बैटरी की बात करें तो C9 Pro में आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी, तो A7 2017 में आपको मिलती है 3600mAh की बैटरी। इसके अलावा दोनों ही डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। C9 Pro 96 मिनट में 0 से 100% फुल चार्ज हो सकता है, तो वहीं A7 2017 लगभग 111 मिनट लेगा फुल चार्ज होने में। अब चलिए बात करते हैं दोनों डिवाइस के परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए मेरे पास N22 बेंचमार्क स्कोर है, तो जैसा कि आपके सामने है C9 Pro का स्कोर 78,000, तो A7 61,000, तो जाहिर सी बात है आपका जो C9 Pro है उसका स्कोर अच्छा है। डिटेल्स में बात करें तो 3D या गेमिंग के लिए आपका C9 Pro अच्छा है। UI भी आपका C9 Pro का A7 2017 से बेटर है। CPU लगभग दोनों डिवाइस का सेम है। इसके अलावा जो रैम मैनेजमेंट है वो A7 2017 का अच्छा है, यानी कि 6GB की रैम आपको C9 Pro के साथ मिल रही है, A7 2017 के साथ आपको 3GB की। इसके बावजूद जो A7 2017 का रैम मैनेजमेंट है वो C9 Pro से अच्छा है, तो मल्टीटास्किंग के लिए मेरे ख्याल से A7 2017 अच्छा रहेगा, जबकि गेमिंग के लिए C9 Pro। अब चलिए चलते हैं सेंसर्स की ओर कि कौन कौन से सेंसर आपको C9 Pro A7 2017 में मिलते हैं। दोनों ही डिवाइस में आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर,
लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, मैग्नेटिक सेंसर एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसके अलावा A7-217 में एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है, वो है बैरोमीटर, क्योंकि A7-217 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको C9 Pro के ऊपर A7-217 में मिलेगा कि आपका जो फ़ोन है वो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, आप अपने फ़ोन को थोड़ा बहुत पानी में भी यूज कर सकते हैं। बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सेम है, थोड़ा स्लो लेकिन श्योर, लगभग 1 सेकंड ये अनलॉक होने में लेते हैं दोनों ही डिवाइस, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट वर्क। अब चलिए चलते हैं दोनों डिवाइस के कैमरे की ओर। कैमरा UI जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों डिवाइस में बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं ना कैमरा मोड्स में ना कैमरा फिल्टर्स में। दोनों ही डिवाइस 16-16 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ आते हैं, जिससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 16-16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और फ्रंट कैमरे से भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे ऑफ टेकिंग पिक्चर्स की बात करें तो वो भी दोनों ही डिवाइस में सेम है, टैप टू टेक पिक्चर, जेस्चर कंट्रोल, इसके अलावा वॉइस कंट्रोल। क्विक लॉन्च भी दोनों डिवाइस में अवेलेबल है। A7-217 में नया फीचर्स मिलता है, वो है फ्लोटिंग कैमरा आइकॉन, जो C9 Pro में अवेलेबल नहीं है। इसके जरिए आपको एक आइकॉन मिलता है जिसे आप कहीं मूव करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। दोनों ही डिवाइस में आपको ब्यूटी इफेक्ट मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों ही डिवाइस में आपको स्क्रीन फ्लैश नाम का फीचर्स मिलता है, जिससे आप नेट में फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स की ओर। A7-217 के जो पिक्चर्स हैं वो ब्राइट हैं एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी C9 Pro, लेकिन जो गैलेक्सी C9 Pro में आपको पिक्चर मिल रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल पिक्चर्स हैं। इसका मैं कैमरा रिव्यू पहले भी अपडेट कर चुका हूँ, जिसमें भी सेम रिजल्ट थे, आज भी वही सेम है। नेचुरल पिक्चर्स के लिए गैलेक्सी C9 Pro की तरफ जाइए, और ब्राइटर पिक्चर चाहिए तो गैलेक्सी A7-217 की तरफ। यहाँ आपके सामने रिजल्ट्स हैं। फ्रंट कैमरे में बात थोड़ी उल्टी हो जाती है, क्योंकि C9 Pro के जो रिजल्ट्स हैं वो A7-217 से बेहतर हैं। जो C9 Pro के पिक्चर्स हैं वो A7-217 से थोड़ा ब्राइट हैं और थोड़ा अच्छे लगते हैं। हालांकि नेचुरलिटी की बात करें तो C9 Pro के पिक्चर नेचुरल नहीं है, वहाँ भी फेस पे थोड़ा रेडनेस दिखती है, लेकिन A7-217 से कंपेयर करने पे C9 Pro का पिक्चर ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। तो फ्रंट कैमरे के लिए C9 Pro A7-217 को बीट करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा बात करें इनबॉक्स आइटम्स की, तो वो दोनों डिवाइस में सेम है। 5V एंड 2A का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर, एक इन ईयर हेडफोन विद वॉल्यूम कंट्रोल की एंड Type-C USB केबल। तो कुल मिला के आपको C9 Pro के साथ आपको एक बिगर डिस्प्ले वाला फ़ोन मिलता है, 6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, बिगर रैम 6GB की रैम, बिगर रोम यानी कि 64GB इंटरनल मेमोरी, और एक बड़ी बैटरी 4000mAh की बैटरी एज कम्पेयर टू A7-217। तो वहीं A7-217 में आपको मिलता है बेटर डिस्प्ले, यानी कि जो PPI है वो A7-217 का अच्छा है एज कम्पेयर टू C9 Pro। इसके अलावा A7-217 IP60 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो आप अपने A7-217 को बिना किसी प्रॉब्लम के धूल, डस्ट या फिर वाटर में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है C9 Pro के ऊपर। इसके अलावा जो रैम मैनेजमेंट है वो भी A7-217 का अच्छा है एज़ कम्पेयर टू C9 Pro, जैसा कि आप N22 बेंचमार्क स्कोर में देख चुके हैं, जहाँ A7-217 का जो रैम मैनेजमेंट है वो C9 Pro से काफ़ी अच्छा है। तो ये था मेरा फुल कंपैरिजन C9 Pro A7-217 के बीच। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो C9 Pro और A7-217 या फिर इससे रिलेटेड कोई भी एसेसरीज हमारे अमेजन एफिलिएट्स लिंक देकर यू परचेज कर सकते हैं। एफिलिएट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।